गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर सब मिलके एक प्लान बनाते हैं रघु को मारने के लिए, जिसमें सबके अटपटंगे से प्लान्स रहते हैं। जिसमें तो नंदिता वीडियो गेम वाली बात बता देती है, पहले तो सब ये सोचते कि ये काम करना सही होगा, फिर बाद में सबको रियलाइज होता है कि ये काम करना खुद की जान गंवाने वाला है। जब जेसिका भागते हुए आती है और कहती है कि रघु की डेथ हो गई है और कैसे हुई, तब माया, रागनी, अमृता और नंदिता कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। तभी जेसिका पूछती है कि मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। अब उसके आगे जेसिका का ये सवाल पूछते ही माया उसके पास आकर बोलती है, ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, बट तुम खुद टाइमलाइन पर हो, अभी तुम टाइम लाइन पे हो, तुम्हारे पीछे ऑलरेडी पुलिस पड़ी हुई है, वो तुम्हारे ऊपर नजर रख रही है। और ये भी चीज़ थी कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे फ़ोन भी ट्रैप्स कर रहे होंगे, ये बात का मुझे शक था। इसलिए मैंने जब नंदिता को कहा कि नंदिता प्लीज़ एक बार ज़रा देखो फ़ोन ट्रैप्स हो रहे हैं क्या, तब नंदिता ने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारे फ़ोन ट्रैप हो रहे हैं, और इस वजह से मुझे कोई भी चीज़ तुम्हें बतानी नहीं थी, क्योंकि अगर तो मैं ये चीज़ें अगर डिस्कस की जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे पास वे ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ फ़ोन होगा, और जब फ़ोन पे हम एक दूसरे को अगर थोड़ी भी डिटेल्स देंगे तो उससे चीज़ें पहुंच जाएगी उन तक। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये भी था कि तुम अगर उस एरिया के आसपास दिखती भी या तुम रिकॉर्ड करने चली जाती, क्योंकि तुम बहुत महान हो जेसिका, तुम्हें तो न्यूज़ की हेडलाइंस वगैरह अपने चैनल के लिए सो एम्बिशियस हो, उसका अगर फुटेज भी लेने चली जाती तुम और वहाँ पर किसी ने तुम्हें देख लिया होता, पुलिस वालों का पूरा झुंड है, किसी ने एक इंसान ने भी तुम्हें देख लिया होता, तुम टाइमलाइन पर आ चुकी हो और वैसे ही तुम प्रॉब्लम में फंस जाती। सो इट्स अ बेसिक थिंग कि टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट वे। अब तुम ये सोच रही होगी जेसिका कि मैं तुम्हें मिलकर भी ये सारे बात बता सकती थी। एग्जैक्टली तो जेसिका कहती है, ऑफ कोर्स माया, तुम मिलकर मुझे ये सारी बातें बता सकती थी, हाँ लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी क्यूरियसिटी ही तुम्हें ये सब चीज़ें कराने के लिए प्रॉब्लम में फंसाती, क्योंकि तुम इतनी क्यूरियस हो, अगर मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगी तो तुम वो चीज़ करोगी, मैं अगर तुम्हें मना करूंगी तुम उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं क्योंकि तुम्हारी क्यूरियसिटी हमें प्रॉब्लम में फंसा सकती थी। तो तभी नंदिता कहती है, सॉरी मुझे भी माया ने बहुत मना किया था तुम्हें बताने के लिए हर एक चीज़, और हाँ ये सब हम लोगों का प्लान था, बस तुम्हें शामिल नहीं किया और ना अयान को किया, क्योंकि तुम और अयान एक ही टीम के हो, अगर अयान को कुछ पता चलेगा और वो जेसिका को ना बताए ऐसा हो नहीं सकता, तो सॉरी। तो जेसिका कहती ओके फाइन, बट किया कैसे तुम लोगों ने ये तो मुझे बताओ। कहते सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, जो माया ने अपनी पावर्स की वजह से वो एरिया को थोड़े टाइम के लिए रेंट पे ले लिया था, तो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, और हमें पता था कि वो गोरेगांव के पास वाले कोई जगह पर ही जाकर रुकेंगे, तो हमने वो जगह पर पहले जाके सीसीटीवी कैमरास फिट कर दिए थे, और ऐसे माइक्रोफोन्स वाले सीसीटीवी कैमरा फिट करे हैं कि जहाँ पर चाह कर भी वो लोग पता नहीं कर पाएंगे, एकदम छोटे छोटे बटन्स होते हैं ना वो, तो उनकी पूरी डीलिंग वगैरह हम लोगों ने कैप्चर कर ली थी तुम्हारे लिए, बिकॉज यू नो व्हाट, कि तुम्हें तो चाहिए रहती हैं अपने यू नो तुम्हारी चैनल के लिए। तो कहती है, थैंक यू नंदिता, यू आर सो क्यूट एंड तुम ही मेरी एक सच्ची दोस्त हो जो ये चीज़ को ध्यान में समझती हो। तभी नंदिता कहती है, सॉरी ये माया का कहने का मतलब था, तो मुझे थैंक यू के बदले माया को कहो, क्योंकि माया ने तुम्हारे लिए सब कुछ रिकॉर्ड करवाया मुझसे, और तुम्हारे लिए सारी फिटिंग्स वगैरह रागिनी ने जाके करी कैमरे की। तो रागिनी भी खड़ी रहती है, एनी थिंग फॉर माया, माया के लिए कुछ भी करूँगी। अब माया तुम्हारे लिए भले ये सब चीज़ें करें पर मुझे तो करना पड़ेगा ना। जेसिका की आंखें माया से टकरा रही रहती है और माया से स्माइल करके जेसिका की तरफ देख रही रहती है, पर जेसिका कुछ नहीं कहती है और माया भी कुछ कहना सही नहीं समझती है। फिर उसके बाद वो लोग बताते हैं कि प्लान कैसा एग्जीक्यूट हुआ। तो वहाँ पर जब रघु डीलिंग करके चला गया था तो अगर उस एरिया में बम ब्लास्ट करते या कुछ भी चीज़ करते तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी,
तो रागिनी ने इसे चुपके से जाके कार के नीचे बॉम्ब लगा दिया था, और वो बॉम्ब लगाने के बाद रागिनी वहाँ पे पूरा मॉनिटर कर रही थी और आगे जाके उसने वो ब्लास्ट कर दिया। सो ये सब जो चीज़ें भी की गई वो रागिनी ने की गई थी। तो रागिनी कहती है थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि जो बॉम्ब था वो बहुत सेंसिटिव बॉम्ब था, चीज़ें मैनेज करना, और बॉम्ब वगैरह के बारे में ये जो आइडिया दिया था वो अमृता ने दिया था। पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि बॉम्ब तुम लोगों ने लगाया कैसे जब सिक्योरिटी गार्ड्स इतने होंगे। तो वहाँ पे नंदिता कहती है मैंने ट्रैफिक का जो सिग्नल्स था उसे थोड़ा सा मैन्युपुलेट कर दिया था, मतलब जो ये लोग चौराहे से वो लोग जा रहे थे वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स को मैंने हैक कर दिया था, तो उसमें ना मैंने सारी चीज़ें इधर उधर कर दी थी, एक टाइम पे सब निकल रहे, तो दो तीन गाड़ी एक साथ बीच में फंस गई थी जिसमें से रघु की गाड़ी भी फंस गई थी, और धीरे से रागिनी ने वहाँ पर जाके बॉम्ब पहले से ही प्लान कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें की गई थी तो इसकी वजह से हो गया। और ये सब करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? तो यहाँ से जैसे ये जैसिका पूछती है तो माया कहती पूरा एक दिन, एक दिन से सुबह से प्लानिंग थी क्योंकि रघु के मूवमेंट्स को भी प्लान देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है ये सब, और सिक्योरिटी गार्ड्स थे। पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे रागिनी तुम बॉम्ब लगाओगी तो कोई भी देख लेगा, तो कहती सीवेज की लाइन गई थी वहाँ पर जाके उसकी गाड़ी खड़ी करी गई थी, और ये सब भी बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से सोचा गया था। पर अगर वो सीवेज के वहाँ पर उस पाइपलाइन के वहाँ पर नहीं खड़ा होता तो मैं कुछ करती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लान्स था। तो कहती क्या प्लान्स था? फिर कुछ नहीं था कि एक और सीवेज की लाइन थी वहाँ पर मैं जाती और उससे टकरा जाती, मतलब मेरी गाड़ी उससे टकरा जाती, एक्सीडेंट हो जाता, उसको बाहर निकालते, पूरे बॉडीगार्ड्स आ जाते और फिर हमारी वहाँ पे झगड़ा चलता, तो वहीं पे सीवेज के वहाँ पर भी रागिनी वहाँ जाके बॉम्ब लगा सकती थी। तो कहीं ना कहीं प्लान ए के साथ प्लान बी भी सोच के रखे थे हमने, क्योंकि हमें पता था कि प्लान ए के चक्कर में हम बैठ नहीं सकते। वाह, तुम लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो। और तो अमृता बोलती है प्लानिंग थी अच्छी कर लेती हूँ मैं। तभी नंदिता एकदम से अमृता के शोल्डर पे मार के कहती है सब प्लानिंग माया की रहती है, बिकॉज माया का दिमाग ज़्यादा चलता है। माया ने आइडिया दिया था कि बम ब्लास्ट से करते हैं क्योंकि अगर ऐसे चीज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नंदिता और अमृता ने मतलब मैंने और सोचा, फिर रागिनी ने तो बहुत एफर्ट्स करे, रागिनी की तो सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी हुई। तभी रागिनी थोड़ा सीरियस मोड पे होके कहती है मेरे लिए तो ये होना ही था, अगर इससे ज़्यादा कुछ भी करने का मौका मिलता तो मैं करना चाहती थी। एक्चुअली मैंने बहुत आसान मौत दे दी रघु को, पर सच बताऊँ तो मुझे उसे तड़पा तड़पा के मारना था। मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मेरे मन की शांति नहीं हुई है। मैं उसे इतना तड़पाना चाहती थी कि जिंदगी में वो किसी के साथ भी वो करने से पहले 100 बार सोचे जो उसने मेरी बहन के साथ किया था। जैसिका को कुछ भी नहीं पता था रागिनी किस बारे में बात कर रही है, तो वो अपनी सवालिया नजरों से देखती है माया की तरफ। माया कहती है कि वो उसे बताएगी थोड़े टाइम के बाद। तो नंदित उस समय जैसिका कुछ नहीं कहती है और नंदिता ये कहने लगती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ यार खाना खाने चलें, बिकॉज आई एम सो हंग्री। तो सभी के साथ रेडी हो जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर जब खाना खाने की टेबल पर बैठे रहते हैं तो यहाँ से एकदम से जैसिका कहती है यार बहुत हैक्टिक हो गई है लाइफ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है इन 4 महीनों से हमारे साथ। आई मीन नंदिता, हम कितनी अच्छी लाइफ को इन्जॉय करते थे, कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, लाइफ को इन्जॉय करते थे, मस्ती मजाक चलती थी, बट यार जब से मेरे लाइफ में ये क्राइम रिपोर्टर की लाइफ ली है ना, हॉल टाइम कोई क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने चले जाओ, कोई ये करने चले जाओ, कोई वो करने चले जाओ, छुट्टियां ही नहीं मिलती हैं। तभी माया कहती है तुम ये कह सकती हो कि जब से तुम मुझसे टकराई हो तुम्हारी लाइफ तो ज़्यादा ही हैक्टिक हो गई है। जैसिका बोलती है ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ बुरी हुई है तो कुछ चीज़ अच्छी भी तो हुई है। तो कहती है अगर ऐसी बात है तो हम सब घूमने चलेंगे इस वीकेंड, सैटरडे संडे हम घूमने चलते हैं और हम फ्राइडे को यहाँ से निकल जाएंगे।
तभी जैसिका बोलती, आर यू सीरियस, तुम हमें घुमाने ले जाओगी? तो कहती हूँ एक फैमिली ट्रिप बोल सकते हैं। तो वहाँ से नंदिता कहती, ऑफ कोर्स वी आर फैमिली, पर अयान को भी बुलाना। तो तभी रागिनी कहती, हाँ अयान तो आएंगे ही ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि वो ना आए। तो अमृता कहती, हाँ आएंगे ही वो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ भाई, तो मीन्स ये कहने जा रहे हैं कि सिक्स लोग और 3 कपल्स चलने वाले हैं। तो सब साइलेंट रहते हैं और कुछ कोई बोलता ही नहीं है। तभी जैसिका बोलती, कहाँ लेके जा रही हूँ? तो माया कहती, कुछ चीज़ें सरप्राइज भी रखनी चाहिए जैसिका, सरप्राइज के साथ चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो फ्राइडे के दिन रेडी रहना सब। फ्राइडे की इवनिंग एट 6 o'clock हम यहाँ से निकल जाएंगे, एनी प्रॉब्लम? तो वो कहती है, नो नो ऑल फाइन। तो कहती ओके, जस्ट मैं मिलती हूँ तुम लोगों से बाद में। जैसिका बोलती है, माया मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? तो वो कहती है कि हाँ चलो, तुम पहले अपना लंच तो ख़त्म कर लो फिर चलो। तो कहती है, नहीं मेरा हो गया है, मैं बस चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसे कह के जो स्टडी रूम होता है वहाँ पर जाके माया बैठती है। तभी वहाँ से जैसिका बोलती है कि जयदीप मिश्रा के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तो मुझे तुम्हें बताना था। तो बोलती है, बताओ। तो वो कहती है कि जयदीप मिश्रा राइट नाउ साउथ अफ्रीका में है, और वहाँ पर साउथ अफ्रीका में वो ड्रग्स की डीलिंग बहुत बहुत तेज़ी से कर रहा है। जितना तुमने सोचा नहीं था उसे 4 गुना तेज़ी से उसका बिजनेस बढ़ चुका है, और हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी तेज़ी से वो बढ़ा रहा है अपने चैनल। माया कहती है, हाँ मुझे पता है उसका चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आजकल सबकी डिमांड जो है ड्रग्स का अगर देखा जाए तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बट लोग उसको बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, और वो भी ऐसी चीज़ों में डील कर रहा है जिसके लिए सब पागल है। तो क्या करना है हमें, देखते हैं क्या करना है। अभी फ़िलहाल हम वीकेंड एंजॉय कर लें। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी गर्लफ्रेंड वैसे स्ट्रेस में रहे तो वो काम पे ध्यान थोड़ा अच्छे से ना लगा सके। अगर उसका मन है ट्रिप पे जाने का तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। तभी जैसिका कहती, ओहो तो इसका मतलब ये है कि आप ये सब मेरे लिए कर रही हैं, मतलब आपकी खुद की इच्छा नहीं है? तो माया थोड़ा करीब आके बोलती है, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो मेरी इच्छा होगी, मेरी खुद की इच्छाएं तुम पे डिपेंड है। तो जैसिका कहती है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी इच्छा अभी तुम्हें किस करने की हो रही है तो तुम क्या कहोगी माया? तो माया कहती है कि अगर हो रही है तो कर लेना चाहिए, मैं तो बस यही कहूँगी। तो यहाँ पर जैसिका थोड़ा आगे आती है और माया के लिप्स को किस करने लगती है। वो दोनों काफ़ी डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते। उतनी देर में एकदम से जो नॉक नॉक होती है, नॉक भी नहीं होती है, नंदिता एकदम से अंदर आ जाती कि माया, तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर होते। तो नंदिता कहती, ओह आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट केम ऑन योर प्राइवेट प्लेस, आई एम रियली सॉरी। तभी माया कहती है कि नहीं नहीं बोलो नंदिता। कह रही थी, एक्चुअली मुझे ना ये बताना था कि जो तुम सिस्टम हैक कराना चाहती थी वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए मुझे खुद किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो वो कहती है, ओके फाइन कोई बात नहीं है मैं करूँ। तभी वो पूछती है कि क्या हैक कराने की सोच रही थी? डार्क वेब सुना है? दुनिया का ऐसी डार्क वेब है जहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है। उसमें से एक एक्टिविटीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रही थी, उसका आईपी एड्रेस क्या है वो सब मैं डार्क वेब में जाकर ट्रेस करना चाह रही थी, और उस एक्टिविटीज से मुझे ये पता चलता है कि वो शायद से ड्रग्स डीलिंग के लिए है या फिर वो आर्म्स खरीदने की है, मतलब वेपन सप्लाईज की होने वाली, तो उसके लिए मैंने किया था। बट अब पता नहीं कौन मिलेगा जो
उस वेबसाइट को हैक कर सके और ट्रस्टवर्दी भी हो। तो जेसिका बोलती डोंट वरी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, और वैसे भी अच्छे काम करते हो ना तब जीसस क्राइस्ट आपको हमेशा हेल्प करते हैं। तो माया कहती है तुम जीसस क्राइस्ट पे मानती हो? तो कहती मैं हर चर्च में जाकर प्रे करती हूँ और ऑफ कोर्स मैं मास पे जाती हूँ, तो हाँ मैं जीसस को मानती हूँ। तुम नहीं मानती माया? नहीं, आई मीन मतलब मैं वैसे नहीं मानती जैसे आप बोल रही हो, क्योंकि मेरे तो भगवान हिंदू धर्म है। तो जब भी मुझे थोड़ा सा संकट होता है तो संकट मोचन हनुमान जी के पास जाती हूँ या फिर शिव जी के पास जाती हूँ, या तो जब मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है तो माँ दुर्गा के पास जाती हूँ। पर मैं हर क्रिसमस के दिन चर्च भी जाती हूँ, तो मेरे लिए सर्कुलिज्म है, यहाँ पे कोई मतभेद भी नहीं है। तुम्हें पता है रागनी दरगाह जाती है और कभी कभार तो रागनी मुझे दरगाह भी लेकर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं, हम सारे धर्मों को मानते हैं, क्योंकि धर्म भले अलग हो सकता है पर नियत एक ही होती है सबकी, खुदा के ऊपर विश्वास रखना। और वो कहावत तो सुनी है ना, सबका मालिक एक, तो वही किस्सा है हमारा। सही बात है। और अमृता, अमृता कोई भी भगवान के यहाँ नहीं जानती है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान को जब मेरी मदद करनी चाहिए थी तब तो की नहीं, तो जब मेरी भगवान ने मदद नहीं करी थी तब से उसका विश्वास उठ गया भगवान, इसलिए वो नहीं जाती है। पर मैं आज भी जाती हूँ ये सोचकर कि उस रात उन्होंने अगर मुझे बचाया नहीं होता और माँ दुर्गा ने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी होती तो आज मैं अपने ही असुरों को मार नहीं पाती। सही बात है। वैसे ऐसा नहीं है, मैं भी सारे धर्मों को मानती हूँ पर जीसस को भी ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मेरा अब धर्म क्रिश्चियन है ना, अब धर्म क्रिश्चियन है मतलब पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ऑफेंस में थी अनाथ आश्रम में, तो उस धर्म में सब शिव जी को ज्यादा मानते थे, तो मैं भी मानती थी, फिर बाद में मुझे ये सब चीजें मुझे। और एक अनाथ को अगर किसी का सहारा मिले तो बहुत बड़ी बात है। तुम अनाथ नहीं हो और ऐसा मत सोचा करो। ये बात भी सही है। चलो अभी मैं जरा जाती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, और जो तुमने रघु के अगेंस्ट वो किया था वो सब मुझे ऑफकोर्स चैनल पे दिखा के पेज वन पे खड़े होना है, और टाइमलाइन शो की मुझे हेडिंग भी बननी है। यू नो व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज माय करियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो माया हंसते हुए बोलती है यस आई नो, दैट्स व्हाई आई डू एवरीथिंग फॉर यू उसको। तो वो कहती बाय बाय श्रीकांत, तो कहती बाय बाय, ऐसे करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माया यहाँ से अपने बेडरूम की तरफ जाती है और जेसिका यहाँ से अपने ऑफिस की तरफ जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो रागिनी रहती है वो थोड़ी सी अपसेट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही रहती है, क्योंकि एक कहते हैं ना इंसान अगर अपना बदला ले लेता है पर वो जिस तरीके से बदला लेना चाहता है अगर वो नहीं ले पाता तो कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड रहता ही है। तो रागिनी बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थी और रो रही थी, और वो रोते रोते सिर्फ अपनी बहन को यही बोल रही थी कि तेरे दुश्मन से मैंने बदला तो ले लिया पर मेरी बच्ची मैं तुझे उस तरीके से इंसाफ नहीं दिला पाई जिस तरीके से मुझे इंसाफ तुझे दिलाना था, क्योंकि जिस तरीके से तू हर जिंदगी भर तड़प तड़प की मरी है उस तरीके से मुझे वक्त मौका नहीं मिला उस इंसान को तड़पा तड़पा के मारने का। तभी आयान उसके पास जाता है और साइड में बैठता है और उसके कंधे को टच करता है और उसके हेड को अपने शोल्डर पे रखते हुए कहता है रागिनी तुम सही हो, तुम उस तरीके से बदला नहीं ले पाए पर रघु तो सिर्फ एक मीडियम था ना, तुम्हें अभी भी बहुत बड़ा चांस है। सहदेव मिश्रा
जो इन सब का राजा है, जो जिसके कदम पे ये प्यादे चलते हैं। तुम्हें प्यादों से लड़ाई नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी तो राजा से है। हजार प्यादे आएंगे रघु जैसे, जो कहीं ना कहीं ये हरकत करेंगे, पर इन सबको शक्ति देने वाला जयदेव मिश्रा है और हमें उसे ख़त्म करना है। इसलिए एक इंसान को अगर आसान सी मौत भी मिल जाए ना, फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो इंसान ने तुम्हारी बहन के साथ और जिसकी सोच है ऐसी गंदी, उस सोच के वाले को हम जब दंड देंगे, जब उससे बदला लेंगे, तो वो हम बहुत स्ट्रांग तरीके से लेंगे। और उससे जब बदला लेंगे तब तुम तड़पा तड़पा के लेना, क्योंकि उस वक्त तो माया भी तड़पा तड़पा के लेगी और हर कोई तड़पा तड़पा के लेगा। तो फिर आदमी कहती है, मैं जानती हूँ सब कुछ आया, सब कुछ जानती हूँ, पर क्या करूँ, तू तो मैं एक बहन ही ना, दिल तो मेरा भी टूटता है, बुरा तो मुझे भी लगता है कि मैं अपनी बहन का बदला नहीं ले पाई। तो कहते हैं, बदला तो तुम लोगी और काफी अच्छे से लोगी, तुम उस बारे में टेंशन ना लो, आई होप सो। और यहाँ पर इन दोनों का थोड़ा सा मूवमेंट चल रहे रहते हैं, वो एक दूसरे को कंसोल कर रहे रहते हैं, समझा रहे रहते हैं। अब ऐसी टाइम बीत चुका रहता है और फ्राइडे नाइट आ जाती है, जहाँ पर 6 बजे सबको जाना रहता है, जहाँ पर जो हमारी माया रहती है वो एक बहुत प्यारी सी बड़ी सी कार का इंतज़ाम करती है, जो 6 सीटर्स रहती है, 7 सीटर्स बोल सकते हैं, 7 सीटर्स वो कार अरेंज करती है। और उस कार अरेंज में जहाँ पर सब के सब एक साथ बैठ के घूमने के लिए निकल चुके रहते हैं, और जहाँ पर माया खुद ड्राइव कर रही रहती है। माया जब गाड़ी को ड्राइव कर रही रहती है, बहुत प्यारी प्लेस के लिए जा रहे रहते हैं, वो डॉल हाउस जाते हैं। डॉल हाउस जो हमारी हिमाचल के पास है, वो वहाँ जा रहे रहते हैं और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस रहती है वो, क्योंकि लोगों को हिल स्टेशंस पसंद थे और एक ब्यूटीफुल ट्रैकिंग भी रहती है, माउंटेन एरिया है, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था, वाटरफॉलिंग सी, वो लोग काफ़ी अच्छे से जा रहे रहते हैं। वो लोग पूरी रात भर ट्रैवल करते हैं और जब मॉर्निंग में वहाँ पहुँचते हैं, तो जब गाड़ी चला रहे रहते हैं तो आधे टाइम कभी माया चलाती है तो कभी अमृता चलाती है, कभी रागिनी चलाती है, ये तीनों ही ड्राइव कर रहे रहते हैं, क्योंकि वो जैसिका पे तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकते थे, और ना नंदिता पे और ना अयान पे। उन्हें ये लोग पहले भी ये डॉल हाउस आ चुके थे, इनको पता था कि ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि जब रागिनी ने अपनी बहन को खोया था तो जो हमारी माया और अमृता थे उसे डॉल हाउस ही लेकर आए थे, और यहाँ से उनकी दोस्ती की और एक अच्छी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। तो जब भी डॉल हाउस वहाँ जाते हैं, आराम से कार पार्क करते हैं, वहाँ की जो होटल रहती है वहाँ पर जाते हैं, सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश हो रहे रहते हैं, मज़े कर रहे रहते हैं, सब चीज़ें कर रहे रहते हैं। फिर जहाँ पर जो रूम्स रहते हैं वो 3 रूम्स बुक किए जाते हैं, बिकॉज 3 कपल्स 3 रूम्स रहते हैं। जहाँ पर जब माया अंदर आती है और वो अपना स्वीट जो रहता है उसे देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है, जिसमें जैसिका कहती है, वाओ माया, यू बुक अ सो ब्यूटीफुल स्वीट, आई लव इट, आई मीन कितना ब्यूटीफुल है ना, देखो यहाँ से देखो, देखो यहाँ से विंडो ओपन करो तो कितना प्यारा हिली एरियाज पे है, हम सबसे बड़े माउंटेन एरिया पे, यहाँ से देखो नीचे कितना सुंदर चीजें दिखती हैं, वाओ इट्स सो लवली, आई लव इट। तो यहाँ पर जो हमारी जैसिका जब ये बोल रही रहती है, तो हमारी माया उसके पीछे आती है और उसे टाइटली हक करती है, और जब वो हक कर रही रहती है तो जैसिका बोलती है, क्या इरादे हैं आपके? तो माया कहती है, इरादे तो नेक नहीं है मेरे। तो कहती है, नेक इरादे वाले मुझे पसंद भी नहीं है। जैसिका टर्न होती है और माया को थोड़ा धक्का देके बोलती है, अभी तो कंट्रोल करो, अभी तो आए हैं। तो वो कहती है, अच्छा ओके ठीक है,
बट मैंने ये सोचा था कि मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ गाड़ी चला चला के, तो शायद कोई मेरी मसाज करके मुझे बेटर फील करा देता। तो जेसिका कहती है ओनली मसाज, तो माया कहती है ओनली मसाज, तो जेसिका कहती है सोच समझ के बोलो माया, तो माया कहती है अभी तो फिलहाल सिर्फ मसाज क्योंकि मेरी बैक बहुत पेन कर रही है जेसिका। तो कहती है ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, तुम लेटो मैं ज़रा तुम्हारी बैक को मसाज करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी माया रहती है वो लेट जाती है और वहाँ पर वो ऑयल लाकर उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे बहुत क्यूट तरीके से वो मसाज कर रही रहती है। मसाज करते करते माया तो आराम से रिलैक्स फील कर रही रहती है, पर जो जेसिका रहती है उसे नॉटीनेस सूझती रहती है। तो इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर में कभी मसाज में बैक मसाज करते करते वो माया के ऐस को भी थोड़ा टच करने लगती है। और जैसे जैसे वो माया के ऐस को टच करती है तो माया को भी उसके इंटेंशंस थोड़े पता चल रहे थे, पर माया एकदम ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसने कुछ चीज़ देखी ही नहीं और कुछ सुन समझा ही नहीं, और वो अपनी बॉडी पे कोई ऐसे सेंसेशन नहीं करती है जिससे पता चले, सेंसेशन नहीं करती है। तभी यहाँ पर जो हमारी जेसिका रहती है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि मैं इतनी बार इनके आईज को टच कर रही हूँ और ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो ऊपर का जो रहता है ऑलरेडी माया का टॉपलेस रहता है क्योंकि मसाज करते टाइम, लेकिन जो नीचे का रहता है वो तो माया ने कवर करके पहना ही रहता है। तो धीरे से जो हमारे उसकी जो पैंट रहती है उसके अंदर हाथ डाल देती है जेसिका, और अब बहुत जम के प्रेस करती है। माया फिर धीरे से बोलती जेसिका पेन मुझे ऊपर है, तुम कहाँ नीचे कर रही हो। तो कहती ओ इतनी देर से जब मैं थोड़े थोड़ा टच कर रही थी तब तुम्हें नहीं समझ में आया, अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कहती है मैंने तो सिर्फ मसाज का ही कहा था और तुम्हें ने पूछा था ओनली मसाज, तो मैंने यस कहा था, अब आपकी नीयत क्यों पलट रही है मेरे सेक्सी ऐस देखकर। तो जेसिका थोड़ा पास आती है उसके कान को बाइट करते हुए और किस करते हुए कहती है इतनी खूबसूरत कोई हो मेरे सामने तो नीयत नहीं पलटेगी तो और क्या पलटेगा, और अगर नीयत नहीं पलटी तो फिर मेरी मोहब्बत ही सच्ची नहीं है ना, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हो तो थोड़ा तो फिसलना बनता ही है अपनी मोहब्बत को देखकर। और ऐसे बोल के वो उसे टर्न करती है और सामने उसकी आंखों पे देखकर बोलती है माया आई लव यू। तो माया कहती है आई डू। तो कहती है तो मैं थोड़ी सी अपनी नीयत खराब कर लूं। तो माया कहती है मैंने मना नहीं किया। और ये जैसी बोलती है तो जेसिका उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है, फिर उसको आराम से इधर उधर किस करती है, बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से किस करने लग जाती है। फिर जैसी वो किस करके थोड़ा सा लोअर मीन्स चेस्ट के पार्ट पर आती है किस करने के लिए, कर रही रहती है थोड़े बूट्स को प्रेस कर रही रहती है और थोड़ा करती है, ऐसी वो नीचे के पार्ट पे आ रही रहती है। तभी उसके डोर पे नॉक नॉक होता है और जेसिका को गुस्सा आता है। जेसिका कहती है कौन है अब। तो कहती है मुझे क्या पता देखो। तो तभी वहाँ से अमृता रहती है और अमृता कहती है कि प्लीज़ ब्रेकफास्ट रेडी है हमें चलना है जल्दी जल्दी आ जाओ। तो यहाँ से जो माया रहती है वो बोलती है कि चलो हटो मैं ज़रा बात करके जल्दी से आती हूँ। तो यहाँ से ये लोग बात कर लेते हैं, फिर सब तैयार हो जाते हैं। करीब 11 से 12 बजे का टाइम रहता है, सब वहाँ से रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रागिनी कहती है कि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, हम थोड़ा सा डिनर भी कर सकते हैं, आई मीन हमें डिनर ही कर लेना चाहिए। तो ये लोग जब ऐसे बोल सॉरी लंच कर लेना चाहिए, तो कहती है हाँ लंच ही कर लेते हैं। तो ये लोग बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो सब कुछ कोई ना कोई हर चीज़ देख के ऑर्डर कर रहा था, और ऑर्डर करते टाइम माया वहाँ बैठी रहती है। माया जैसी वहाँ बैठी रहती है तो एक वेटर आता है और वेटर बोलता है कि मैम क्या चाहिए। तो वो थोड़ा सा हार्श वॉइस में कहता है, यहाँ पे माया को थोड़ा सा शक होता है
और वो जो वेटर रहता है वो एकदम से माया पे अटैक करने लगता है और जम के माया को मारने की कोशिश कर रहा रहता है। और जैसी माया उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पकड़ के उसको एकदम से दूसरे हाथ से उसके फेस पे मार कर उसे गिरा देती है। उसी देर में वहाँ के जितने भी वेटर्स जो रहते हैं, जो एक्चुअल में गुंडे रहते हैं बट वो वेटर्स के कॉस्ट्यूम में खड़े रहते हैं, और आकर सबके सब खड़े हो जाते हैं और माया को सब घेर लेते हैं। यहाँ पर जो माया होती है वो सीधे कहती है कि जैसिका तुम साइड में हो। अमृता और माया और रागी तीनों उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो लड़ ही नहीं पा रहे रहते हैं। इतना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग उन पे एक साथ अटैक कर रहे रहते हैं, एक को बचाना दूसरे को बचाना बहुत मुश्किल होता है। उतनी देर में वहाँ पर एक लड़की आती है और वो एकदम से बाइक से आती है और वो बाइक एकदम रेस्टोरेंट के वहाँ पर रोकती है और उतरती है, और उतर के वहाँ पर जो माया को एकदम से मार रहा रहता है वो माया के वाले बंदे को पकड़ती है और उसे एकदम से मुक्का मारती है। वो लड़की ने अपने फेस पे मास्क पहना हुआ रहता है और वो फेस पे मास्क पहनती है। वो जब मारती है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग पंच रहता है उसके मारने का कि वो एक पंच मारती है, उस एक पंच पे इंसान बेहोश हो जाए, वो इतना भयंकर मारती है। और वो धीरे धीरे सबको मारने लग जाती है। वो अकेली एक बंदी रहती है जो वहाँ पर 10 लोगों को मार गिराती है। और जैसे ही वहाँ खड़ी रहती है तभी वहाँ का एक बंदा होता है, बोलता है तू कौन है जो यहाँ पर आ गई है। तो वो लड़की जस्ट टर्न होती है और उसकी तरफ से देखती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। उतनी देर में वहाँ पर 10 लोग जो रहता है वो और बुला लेता है और बोलता है कि रुक जरा मैं और लोगों को बुलाता हूँ, और 10 से 12 लोग और आ जाते हैं। वो लड़की जो उसका जो फेस होता है वो माया की तरफ रहता है और वो गुंडे जो रहते हैं वो माया की बैक के पीछे खड़े हुए रहते हैं, सॉरी उस लड़की के बैक के पीछे खड़े हुए रहते हैं। माया कहती है कि वो इतने सारे गुंडे आ गए, और माया को भी नहीं पता रहता वो लड़की कौन है। सबके सब शॉकिंग वे में देख रहे रहते हैं कि वो लड़की कौन है। वो लड़की जैसे ही टर्न होती है और अपना मास्क निकालती है, जैसी मास्क वो निकाल कर सामने खड़े होती है, वहाँ का जो जो 10 लोगों के गुंडे रहते हैं उसका जो एक लीडर रहता है वो बोलता है नहीं हम इन्हें नहीं मार सकते, सबके सब नीचे झुको। और सबके सब नीचे झुक जाते हैं और वो खुद उसका जो लीडर होता है वो उस लड़की के पास जाता है, नीचे झुकता है और सर झुकाते हुए कहता है गुस्ताखी माफ़ करिए मैम, मुझे पता नहीं था कि ये आप हैं। और वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहती है माफ़ किया, निकलो यहाँ से। और वो फिर जैसी टर्न होती है तो तभी वो जो लड़का बोलता है जो वहाँ का लीडर होता है वो कहता है मैम यहाँ आना कैसे हुआ आपको, आपने तो हमेशा से हमारी रक्षा करी है, आप जो बोलें हम वो आपके लिए करने के लिए तैयार है, बोलिए मैम क्या चाहिए। तो वो कहती हैं कि बस इतना बता दो कि इनको मारने के लिए किसने भेजा। तब वो कहता है कि मैम रघु को मारा है इन लोगों ने, और उसी के ही आदमियों ने, मतलब उनका जो मेन बॉस है उनसे को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ही मुझे ये कहा था कि इनको ख़त्म करना है। तो कहते हैं तो तुम समझ गए ना आज के बाद क्या करना है तुम्हें, वो लड़की सबके सामने कहती है। तो वो कहते हैं कि जी मैम इनको प्रोटेक्ट करना अब हमारी जिम्मेदारी, यहाँ पर जब तक हैं कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो कहती ठीक है। उसी देर में वो लड़की टर्न होती है और वो कहती है, तभी वहाँ से अमृता बोलती है नव्या नव्या मित्तल नव्या यू आर हेयर थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे क्या होता है। नव्या मित्तल भी आ गई हैं, अब देखते हैं क्या होगा आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।